राधे राधे, आप सभी का स्वागत है मेरी यू। मैं बना रही हूँ लंच। लंच में बना रही हूँ मैं सरसों का साग। तो सरसों का साग बनाने के लिए कुछ तो 10 से 12 कलियां लहसुन की छील लिया और मिक्सी के जार में ऐड कर दिया। और साथ में ऐड करेंगे इसमें एक टुकड़ा अदरक का, 5 से 6 हरी मिर्च। इसका हम दरदरा पेस्ट तैयार कर लेंगे। बस दरदरा एकदम बारीक इसको कट जाना चाहिए, इससे ज्यादा इसको पेस्ट नहीं बनाना, बस बारीक कट को चलाएंगे, जिससे कि काम आसानी से हो जाता है। अगर आप चाहें तो बारीक कट भी कर सकती हैं। मैंने मिक्सी में हल्का दरदरा कर लिया। अब चलिए बनाते हैं साग। तो ये है सरसों के साग की तैयारी। यहाँ पे मैंने लिया आधा किलो सरसों, यानी कि 500 ग्राम सरसों ली है, और 250 ग्राम पालक और 100 ग्राम मेथी। इन तीनों चीजों से ही मैं साग बनाऊंगी। अभी चलिए साग को अच्छे से मैंने कट कर लिया। पहले अच्छे से सब्जी को साफ कर ले, उसके बाद अच्छे से वॉश कर ले और कपड़े पे सुखा ले, उसके बाद ही इनको कट करें। काटने के बाद साग को कभी नहीं धोना चाहिए। जो हरी सब्जियाँ होती है काटने के बाद नहीं धोनी चाहिए, पहले ही काट के पहले इसको अच्छे से वॉश कर ले, उसके बाद ही इनको कट करें। अब लीजिए, मैंने चढ़ा दिया गैस पे कुकर। कुकर में मैंने ऐड कर दिया जो मैंने तैयार की थी, कट करके रखी थी, उसको इसमें ऐड कर दिया। साथ में इसमें ऐड करेंगे हम पानी। और ध्यान रखना है कि बस जो हम साग बनाए ना, तो एक भारी तली का बर्तन लें, जिससे कि साग अच्छे से कुक हो जाए, क्योंकि साग ना हमेशा धीमी आंच से पकाया जाता है। अगर हल्की तली रहती है ना बर्तन, तो उससे साग अच्छे से पकता नहीं, नीचे तली में लग भी जाता है। तो मसाले करने में इसमें ऐड किया नमक, और जो हमने पीस तैयार किया था ना, बस उसको ऐड करेंगे। उसको आधा ही इसमें ऐड करेंगे, आधा बचा के रखेंगे जो कि हम इसमें ऐड करेंगे। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, नमक ऐड करें स्वाद अनुसार, और बस इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। आप ध्यान रखें कि कुकर में इस तरह इजी प्लेट से ढक दूंगी और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि साग अच्छे से पक जाए सारी सब्जियाँ। थोड़ा सा इसको चला दिया, अब प्लेट की सहायता से इस तरह से ढक देंगे। ध्यान रखना थोड़ा सा इसको फूल भी दे, जिससे कि जो भाप है ना वो आसानी से है। इस तरह से साग हम पकाते हैं ना, तो क्या सब्जी बहुत अच्छे से बनती है। अब देखिए सब्जी अच्छे से पकने लगी है, सारी सारी सब्जियां जो हमने ऐड करी है वो अच्छे से पक गई है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बेसन बाइंडिंग के लिए। आप चाहें तो मक्के का आटा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच बेसन लिया है, इसको मैं ऐड करेंगे हम थोड़ा सा पानी और एक बढ़िया घोल के तैयार कर लेंगे। ध्यान रखें बना इसका पतला ही घोल बना के हम तैयार करेंगे और इसको हम साग में ऐड कर देंगे। और ध्यान रखना है इसको लगातार चलाते रहे, नहीं तो कहीं ना कहीं गुठली रह जाएगी, तो वो कच्चापन आएगा सब्जी में, जो कि खाने में टेस्टी नहीं लगेगा और कच्चापन लगेगा। तो कर दे पूरे में और चलाते रहे लगातार, जब तक ये अच्छे से उबाल नहीं आ जाता। जब ये अच्छे से उबाल आ जाए ना, उसके बाद इसको हम धीमी आंच में 10 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि जो हमने बेसन ऐड किया ना वो अच्छे से पक जाए, नहीं तो क्या होगा ना किसका कच्चापन आएगा। अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद साग बन के रेडी होगा। तो 10 मिनट हो चुके हैं, देखिए धीमी आंच से पकते पकते साग हमारा बन के हो गया तैयार। अब बारी आती है इसे मिक्स करने की। साग को ना अच्छे से मैश करना बहुत जरूरी है। सॉरी, अब आप पोटैटो मैशर उसकी सहायता से इसे अच्छे से इस तरह से मैश कर। कई लोग मैश करने के लिए मिक्सी का इस्तेमाल करते हैं, उससे ना साग एकदम खराब हो जाता है, बिल्कुल बारीक हो जाता है, पेस्ट तैयार। अगर आप इस तरह से मैश करेंगे ना, थोड़े से चंक्स भी रहेंगे, क्योंकि साग ना तब स्वादिष्ट ज्यादा लगता है। आपने अच्छे से मिक्स कर दिया, साग हमारा बनके हो गया तैयार। अब बारी आती है तड़के की। अब इसमें लगाएंगे एक तड़का। मैंने रख दी कढ़ाई, कढ़ाई में ऐड किया, आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं और ऑयल भी डाल सकते हैं, जो आपका स्वाद है ना, आप अपने स्वाद अनुसार उसमें तड़का लगा सकते हैं। अब ऐड करेंगे मसाला जो तैयार किया था, उसको आधा हमने ऐड कर दिया था कुकर में, अब बचा है आधा, तो उसका इस्तेमाल हम इसमें तड़के जीरा और साथ ही ये मसाला ऐड कर दिया। इन सब चीज़ों का अच्छे से ब्राउन होने तक सेक लेंगे। इतना टेस्टी लगता है ना सरसों का साग, क्या ही बताऊँ। और लंच में तो वाह क्या, अगर ये साग मिल जाए तो और क्या चाहिए। बस लीजिए, तैयार है हमारा ये मसाला भी।
अब इसमें मैंने ऐड की है 2-3 हरी मिर्ची। हमने हरी मिर्ची को बीच में से कट कर दिया था, उसे ऐड किया। अब साथ में ऐड किया है थोड़ा है और ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ी सी मिर्ची। ज़्यादा तीखा नहीं तो अच्छा लगता है साग, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो उस हिसाब से मिर्ची ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बिल्कुल हल्की सी लाल मिर्च पाउडर ऐड की है। अभी सब चीज़ें अच्छे से हो गई है मिक्स। अब हम लगाएंगे तड़का। साग हमारा बनके हो गया है रेडी। बस लगाना है बस एक तड़का लीजिए। अब जो मसाला हमने रेडी कर लिया, अब इसको साग में हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। लो साग हो गया। सरसों का साग सर्दियों में खाने में मजा। तैयार है हमारा सरसों का साग, एकदम से चुका है। देखा देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, सोचिए देखने में इतना अच्छा लग रहा है, ये खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। सरसों का साग मिल जाए तो बस। शाही पनीर भी इसके सामने फैला, पनीर टिक्का बना लीजिए। शाही पनीर देसी खाने की बात ही कुछ अलग होती है। देसी खाना आप बनाएंगे ना घर में सबको पसंद आएगा, और आपके आप उनको भी ये खाना खिला सकते हैं, यकीन मानिए आपकी तारीफ जरूर होगी। हम कुछ अदरक के टुकड़े बारीक कट करके रखे थे जो कि इसमें ऊपर से ऐड कर दिए। देखने में अच्छा लगता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। साग तो हो गया हमारा रेडी। अब चलिए हम बनाते हैं चपाती। अब मैंने यहाँ पे चपाती बना ली है। चपाती को थोड़ा सा इसको मोटा ही रखा है क्योंकि साग के साथ ना थोड़ी सी मोटी रोटी अच्छी लगती है, ज़्यादा पतली अच्छी नहीं लगती। अब इसको धीमी आंच में करारा होने तक सेक लूँगी। ये लीजिए फूली फूली रोटी से साग भी, और लंच हमारा से हो गया। तो चलिए अब इसके खाने की तैयारी करते हैं। लीजिए रोटी हो गई सिक चुकी है। अब लेंगे थाली। थाली मैंने लगा दिया साग, दे दीजिए कटोरी में। बस ध्यान रखना है ऊपर से थोड़ा इसमें घी जरूर ऐड कीजिए। घी ऐड कीजिए, मक्खन ऐड कीजिए, जो भी आपका टेस्ट है ना उसके अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। साथ में रखें गुड़, मूली और हरी मिर्ची का अचार और ये बटर रोटी। लीजिए तैयार है हमारी थाली। साथ में ना छाछ जरूर रखें, इससे तो स्वाद और भी बढ़ जाता है, एकदम देसी खाना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थाली हो गई हमारी रेडी और थोड़ा सा साग के ऊपर घी ऐड किया है मैंने। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।